क्या आप जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ देवी की पूजा का समय नहीं होता बल्कि अपने अंदर के 9 गुणों को जगाने का भी टाइम होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे देवी के 9 रूप हमारी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इन क्वालिटीज़ को जगाने से आप अपनी लाइफ में एक नया बैलेंस और एनर्जी ला सकते हैं। नवरात्रि में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं लेकिन इन रूपों का डीपर मीनिंग है जो हमारे अंदर की क्वालिटीज़ को एनहेंस करता है। हर रूप एक अलग अलग क्वालिटी का प्रतीक है और हम इन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में लाते हैं तो हम सब अपने डेली स्ट्रगल्स को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देख सकते हैं। सबसे पहला माँ शैलपुत्री जो कि स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। माँ शैलपुत्री पृथ्वी का रूप है जो हमें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ की शिक्षा देती हैं। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम सबको अपनी लाइफ में एक बेस एक सॉलिड फाउंडेशन की बहुत ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप करियर में कांस्टेंट स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं तो शैल पुत्री की पूजा आपको इमोशनल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन देती हैं जो आपको आगे गोल्स के लिए ग्राउंडेड बनाती हैं। दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रह्मचारिणी देवी सेल्फ डिसिप्लिन और तपस्या का प्रतीक है। लाइफ में डिसिप्लिन के बिना हम कांस्टेंट प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप अपनी हेल्थ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन इज अ की। माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को याद करके आप अपने जीवन में डेडिकेशन और फोकस ला सकते हैं, चाहे वो फिटनेस हो या फिर पर्सनल गोल। तीसरी माँ चंद्रघंटा करेज एंड पीस। चंद्रघंटा का रूप करेज और इनर पीस का प्रतीक है। लाइफ में अक्सर हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है लेकिन अगर अंदर से शांति और बाहर से करेज हो तो हम बड़े से बड़े चैलेंज फेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो चंद्रघंटा की एनर्जी आपको काम और कंपोज बनाएगी ताकि आप वाइजली हैंडल कर सकें। चौथी माँ कुष्मांडा क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी। माँ कुष्मांडा क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। ये रूप हमें बताता है कि हम अपने जीवन में अपनी क्रिएटिविटी को कैसे प्रकट करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बिजनेस या करियर में स्टक फील कर रहे हैं तो माँ कुष्मांडा के रूप को याद करके अपने क्रिएटिविटी थिंकिंग को जगाएं। पॉजिटिविटी और इनोवेशन आपके लाइफ में नई आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ ला सकती है। पांचवी माँ स्कंद माता नर्चरिंग एंड लीडरशिप। स्कंद माता नर्चरिंग और लीडरशिप का सिंबल है। आप चाहे पेरेंट हो या एक टीम लीडर, आपके नर्चरिंग एटीट्यूड से आप अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने फैमिली या टीम के साथ बेटर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो स्कंद माता की एनर्जी से आप अपने लीडरशिप और क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एनहेंस कर सकते हैं। छठी माँ कात्यायनी करेज एंड एम्पावरमेंट। माँ कात्यायनी स्ट्रेंथ और एम्पावरमेंट का प्रतीक हैं, स्पेशली उनके लिए जो अपने जीवन में डिसीजन मेकिंग या डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं। कात्यायनी माँ से शक्ति प्राप्त करके आप अपने आप को एम्पावर बना सकते हैं। जैसे अगर आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई टफ डिसीजन लेने की सोच रहे हैं तो उस डिसीजन को लेने से पहले माँ कात्यायनी की एनर्जी आपको उस डिसीजन को कॉन्फिडेंटली लेने में मदद करेगी। सातवीं माँ कालरात्रि फियरलेस। माँ कालरात्रि फियरलेस का प्रतीक है। हम सभी लाइफ में कुछ फियर्स हमारे होते हैं, बी इट फियर और फेलियर, रिजेक्शन या अननोन। अगर आप माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं तो आप अपने लाइफ के ये जो फियर्स हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। जैसे अगर आप अपने करियर में नए स्टेप्स ले रहे हैं और उन स्टेप्स लेने से आप डर रहे हैं तो आप माँ कालरात्रि का आशीर्वाद आपको अंदर से फियरलेस बनाएगा। आठवीं माँ महागौरी प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी। महागौरी का रूप प्योरिटी और सिंप्लिसिटी का प्रतीक है।
आज के कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में हम कभी कभी बेसिक जॉयज और हैप्पीनेस को मिस कर देते हैं। माँ गौरी की एनर्जी हमें सिंप्लिसिटी और इनर प्योरिटी की याद दिलाती है, जो हमारे रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ में पॉजिटिविटी लाती है। जैसे अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो माँ गौरी का रूप आपको क्लैरिटी और पीस प्रदान करेगा। नौवीं माँ सिद्धिदात्री, फुलफिलमेंट एंड सक्सेस। माँ सिद्धिदात्री फुलफिलमेंट और सक्सेस का प्रतीक है। लाइफ में हम सब अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए एक बैलेंस और विजडम की ज़रूरत होती है। सिद्धिदात्री माँ की एनर्जी आपको विजडम देती है, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में सक्सेस ला सकती है। जैसे अगर आप अपने करियर में ग्रोथ और सक्सेस पाना चाहते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री की कृपा से आपको सिद्धि और संपूर्णता प्राप्त हो सकती है। हम अक्सर इन गुणों को यानी कि क्वालिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ डेली 9 दिन की पूजा में लगे रहते हैं, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब हम इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर जगाते हैं। कई बार हम रिचुअल्स तो करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते ही नहीं हैं। इस नवरात्रि आप सभी को सिर्फ देवी माँ की पूजा नहीं करनी, बल्कि इन 9 रूपों के थॉट्स अपने अंदर, इन 9 रूपों की क्वालिटी को अपने अंदर लाकर जगाना है। जब आप ये क्वालिटीज़ अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में बैलेंस, शांति और प्रोग्रेस आएगी। करियर में ग्रोथ, रिलेशनशिप में हार्मनी और पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजी टिप्स आप तक पहुंचती रहें। आत्मा नमस्ते।